एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने श्रीरंगपट्टनम गई। मराठा सेनाएं कौन से धर्म की? हिंदू। टीपू सुल्तान मुसलमान। अब ये सेनाएं गई, दोनों में लड़ाई हुई और ये लड़ाई बिना हार जीत के फैसले के समाप्त हो गई। ये बिना हार जीत के फैसले के समाप्त होने को क्रिकेट में क्या कहते हैं? टाई होना या ड्रॉ होना। लड़ाई ड्रॉ हो गई। मराठा सेनाएं वापस आ रही, बड़ी गुस्से में है कि हम आए तो थे टीपू सुल्तान को हराने, टीपू सुल्तान को हमारा नहीं पाए। तो आते आते उन्होंने टीपू सुल्तान के राज्य का श्रीरंगपट्टनम का मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई। मैं बड़ा परेशान हूं, मराठा सेनाओं ने हिंदू मंदिर क्यों तोड़ा? हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए या टीपू सुल्तान का अपमान करने के लिए? टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान ने मंदिर की रिपेयर क्यों कराई? हिंदू धर्म का उठाने के लिए या प्रजा की भावनाओं का आदर करने के लिए? एक तरफ हिंदू राजा, एक तरफ मुसलमान राजा, दोनों आपस में लड़ते रहते थे, ऐसा हमको एक चित्रण किया जाता है। और इसलिए अभी आजकल आपके आपके शहर में, जिन लोगों का भी दिल्ली शहर है, अपनी राजधानी में एक और रोड का नाम बदलने की कोशिश हो रही है। कौन सा है वो? अकबर। बोले अकबर मुस्लिम और हमारे महाराणा प्रताप हिंदू, बहुत बहादुर। तो उस बहादुर अपने राजा का नाम वहां देना चाहिए। अकबर अपना नहीं है, वो तो विदेशी है। अब ये देशी विदेशी की परिभाषा क्या होती है क्या नहीं, अपन देखेंगे। तो यहां अपन चलते हैं, एक तरफ अकबर है, एक तरफ राणा प्रताप। और अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में। एक तरफ किसकी फौज है? अकबर की। एक तरफ राणा प्रताप की। आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है। अकबर के बदले कौन है? राजा मानसिंह। हेलो, अकबर के बदले कौन है? राजा मानसिंह। और राजा मानसिंह के असिस्टेंट जनरल जो हैं, वो बड़े प्यारे व्यक्ति हैं कि उनके नाम पे बहुत अच्छी दो हिंदी फिल्में बनी हुई हैं, शहजादा सलीम मुगले आजम और अनारकली। राजा मानसिंह कौन थे अकबर के? प्रधान सेनापति। सेनापति नहीं, हेलो, सेनापति नहीं, प्रधान सेनापति। और शहजादा सलीम उनके असिस्टेंट, ये अकबर की फौज हो गई। और राणा प्रताप की फौज में उनके जो सबसे बड़े विश्वस्त थे, उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? तो जरा अपने प्रधानमंत्री जी को बता दीजिएगा, वो ऐसी उल्टी सीधी क्या फिलॉसफी चल रही, इतनी सरल चीजें हैं और ये लोग समझने से इनकार कर रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो थोड़ा और बता दूं, बुरा मत मानिएगा, उनको बताना मत मेरे बारे में। खैर, अपने प्रधानमंत्री जी आए बंबई हमारे, चुनाव के लिए वोट लेने थे। तो आपको पता है हमारे महाराष्ट्र बंबई में एक राजा बहुत पॉपुलर है, हमारे एयरपोर्ट का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम, हमारे बड़े पार्क का नाम शिवाजी, यहां तक कि हमारा वड़ा पाव जो है ना, उसको भी हमने नाम शिव वड़ा पाव कर दिया, तब से वो ज्यादा स्वादिष्ट हो गया। आगे अगर आपको खिलाऊंगा कभी। खैर, उनको वोट लेने थे तो बोले शिवाजी महाराज इतने महान थे कि उन्होंने औरंगजेब का खजाना लूटने के लिए सूरत पर आक्रमण किया। मैं हैरान हो गया, मैं फिर से हिस्ट्री बुक में देखा, औरंगजेब का खजाना दिल्ली में था कि सूरत में था? दिल्ली में था। अब शिवाजी महाराज जो हमारे थे, उनकी फौज एक बार सूरत पे आक्रमण करने जा रही थी। तो आपको मैंने बताया क्यों इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसको उल्टा बता रहे। तो जब ये फौज सूरत पे आक्रमण करने जा रही थी, तो शिवाजी महाराज ने अपनी फौज को तीन इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दिए। ये इंस्ट्रक्शंस क्या थे? पहला इंस्ट्रक्शन था, देखो भाई आप जा रहे हो, रास्ते में हजरत बाबा की दरगाह है, हजरत बाबा की दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसके उलट मेरी ओर से हजरत बाबा को ये भेंट गिफ्ट दे देना। नंबर दो, इसी सूरत में फादर एम्ब्रोस पिंटो का एक आश्रम है, फादर एम्ब्रोस पिंटो के आश्रम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, जब आप लूटमार कर रहे हो, अगर आपके हाथ पे किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक, अपन ने पवित्र पुस्तकें देखी,
अगर दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आ गई तो उसका अपमान मत करो, पूरे आदर के साथ उसको उस धर्म के मानने वाले को दे दीजिए। तो ये हमारे शिवाजी महाराज, और यही शिवाजी महाराज जिनको आज हिंदू धर्म के नाम पर उछाला जाता है। आपको बता दूं, शिवाजी महाराज की फौज में 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे। तो धर्मस्थल क्यों तोड़े गए? धर्म के लिए या सत्ता संपत्ति के लिए? राजाओं में झगड़े क्यों होते थे? धर्म के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए? ये कितनी बेसिक बात है, पर इसके ऊपर हमारा कंफ्यूजन कितना होता है, इसको आप देखिए। और जैसे मैंने शिवाजी के बारे में बात की, अकबर के बारे में बात की, ये एक उदाहरण है। टीपू सुल्तान के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान जो दक्षिण का एक बड़ा राजा था, वास्तव में बाय द वे टीपू सुल्तान भारत का एक ही राजा है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते हुए मारा गया, और कोई राजा नहीं मारा गया। क्रांति तो खैर 1857 की देखी, पर उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, हिम्मत से की। नंबर दो, टीपू सुल्तान का जो सचिव था वजीर आलम और जो उसका कमांडर इन चीफ, दोनों हिंदू थे। तो इसमें हिंदू मुसलमान का मामला कि हिंदू अच्छे मुसलमान खराब, मुसलमान खराब मुसलमान अच्छे हिंदू खराब, ये जो देखने का तरीका है इससे हमारे दिमाग में एक जहर फर जाता है। तीसरी बात मैं एक पूछना चाहता हूं, मान लो, अब ये हाइपोथेटिकल ये बस सच नहीं है, मान लो औरंगजेब ने हिंदुओं पे कोई अत्याचार किए तो उसका बदला आज के मुसलमानों से लेना चाहिए क्या? इतिहास की बातों का बदला आज ले सकते हैं क्या? चलिए यहां पे एक मजेदार आपको एक बात बता देता हूं, मैं क्योंकि लोगों से पूछता रहता हूं। एक मीटिंग में मैं गया तो मैंने कहा, भाई देखो बताओ, इतिहास की बातों का बदला आज ले सकते क्या? यही औरंगजेब और मुसलमानों की बात चल रही थी, तो एक दोस्त खड़े हो गए, छाती को 3 इंच बाहर फुलाया, बोले इतिहास की बातों को बदला ले सकते क्या? हम लेंगे। मैं एकदम डर गया, मैंने कहा यार इसका क्या जवाब हो सकता है? तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा यार देखो, मैं एक जगह गया था, मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा आपको पता होगा पहले पति के मरने के बाद स्त्रियों को जलाया जाता था, क्या कहा जाता था? सती। मैंने कहा मैंने सुना है कुछ औरतें साथ में आ रही हैं और वो बोल रही है हम इतिहास की बात का बदला लेंगे। क्या करेंगे हम क्या करेंगे? हम सता प्रथा चालू करेंगे। वो दोस्त की छाती 3 इंच बाहर थी ना, 4 इंच अंदर चली गई। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच यार, इतिहास इतिहास है, उससे कुछ सीखना है तो अच्छे से सीखो, अच्छे से उसको देखो, इंसानियत के आधार पर देखो। और जैसा मैंने कहा, इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए कि लोग उत्पादन कैसे करते थे, लोग कैसे जीते थे, उनका शोषण किस प्रकार से होता था, ये शोषण ना हो, एक अच्छा समाज बन सके, इसलिए हमको इतिहास को देखना चाहिए। तो मध्ययुगीन काल को एक अंधकार का युग करके अंग्रेजों ने भी प्रस्तुत किया, हिंदू राष्ट्रवादी भी वैसा कर रहे हैं। सो दिस पीरियड वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदुइज्म एंड इस्लाम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स फ्लरिश्ड इन दिस पीरियड। सो दिस मीडियल पीरियड, द फर्स्ट पॉइंट वी मस्ट नो दैट दिस वॉज नॉट ए पीरियड ऑफ नेशन स्टेट। और नेशनलिज्म चालू कब होता है? नेशनलिज्म भारत में चालू होता है अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेजों के आने के बाद पहले क्या था? नेशन स्टेट था या राजाशाही थी? राजाशाही। तो राजाशाही, और उसके पहले भी आप जाके देखेंगे क्या क्या था। सो दिस होल डिबेट विच इज गोइंग ऑन टूडे इज ए टोटली ऑन द फॉल्स ग्राउंड। नेशन स्टेट इज ए मॉडर्न फेनोमिनन।